Hi, my name is Shivani Sikri and I'm Chief Nutritionist and Co-Founder at Nutri4Verve. Now, I will share a sample diet plan that we have put together especially for this condition and keeping in mind weight management factor. But remember, ये एक generalized advice है and diets हमेशा body type के हिसाब से ही customized होती हैं. इसलिए आप अपनी diet में modification करने से पहले certified dietitian या nutritionist से consult ज़रूर करें. सबसे पहले मॉर्निंग में खाली पेट आप थायराइड मेडिसिन ले सकते हैं. कीप अ गैप ऑफ एटलीस्ट 1 आवर बिटवीन योर मेडिसिन एंड एनीथिंग यू ईट. उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत कोरिएंडर सीड वाटर से करें. कोरिएंडर सीड्स एक रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, वाइटामिन्स का और मिनरल्स का, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को यानी सूजन को कम करने में हेल्प कर सकता है और हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है. कोरिएंडर सीड्स आपको वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है क्योंकि ये बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं रहने देता. अब करना क्या है, आप आधा चम्मच कोरिएंडर सीड रात को एक ग्लास पानी में सोक कर दीजिए. अगले मॉर्निंग इस पानी में आप एक चुटकी भर सिनेमन यानी कि दालचीनी को डालें, कुछ पुदीने के पत्ते डालें और इसे गैस पे रख के 3-4 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख दें. उसके बाद आप इसको स्ट्रेन कर लें और इसे थोड़ा सा ल्यूक फॉर्म होने दें. ल्यूक फॉर्म होने का इंतज़ार करें. जैसे ही इसका टेम्परेचर ल्यूक फॉर्म हो जाता है इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल दें. लेमन जूस हमारी लिवर की क्लेंजिंग में भी हेल्प करता है और हमारी बॉडी को एल्कलाइन करता है. याद रखिएगा, हर चीज़ एक लिमिट में और सही तरीके से लेना ही अच्छा होता है. अगर आप धनिया सीड का वाटर मॉर्निंग में नहीं लेना चाहते हैं तो धनिया सीड्स को और फ्रेश धनिया को आप अपनी डाइट में रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं. अपनी दाल में, सब्जी बनाते हुए किसी भी प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं. इसके बाद बारी आती है नट्स की, जैसे कि बादाम और वॉलनट्स यानी अखरोट, जिसे हम रात भर भिगोकर 7-8 घंटे के लिए रख देंगे और सुबह इसे छीलकर इसका सेवन कर सकते हैं. बादाम और अखरोट में हेल्दी फैट्स होते हैं. इसी के साथ इसमें और भी अनेक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी है. ब्राज़ील नट भी आपको मॉर्निंग में लेने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी क्योंकि इसमें सेलेनियम होता है जो कि थायराइड के मैनेजमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है. अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की. नट्स खाने के 15-20 मिनट के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं. ब्रेकफास्ट में कोशिश कीजिए कुछ प्रोटीन सोर्सेज को इंक्लूड करने की, जैसे कि 2 बॉयल्ड एग्स या फिर ऑमलेट, मीडियम साइज़ का 2 बेसन के चीले, मूंग दाल का चीला, स्प्राउट स्टार्च, धनिया पुदीने की चटनी के साथ. और अगर आप इन प्रोटीन सोर्सेज को नहीं लेना चाहते हैं तो आप वेजिटेबल ओट्स या फिर ओट दलिया भी ले सकते हैं. इनमें से जो भी ऑप्शन आप चूज़ करते हैं उसमें आप वेजिटेबल्स जैसे कि अनियन, टमाटो, करियंडर, कैप्सिकम, बीन्स एक्सेट्रा ऐड कर सकते हैं. ब्रेकफास्ट में आप आधा छोटा चम्मच फ्लैक्सीड पाउडर भी ज़रूर लीजिए. आप चाहें तो इसे चीले, ऑमलेट या स्प्राउट्स या ओट्स में भी मिक्स कर सकते हैं, पर ध्यान रहे फ्लैक्सीड पाउडर फॉर्म में हो. मिड मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद आप सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि एप्पल, पेयर, प्लम, ऑरेंज, कीवी, पपाया एट्सेट्रा. अगर आप सिट्रस फ्रूट्स लेते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि उनमें ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और पेक्टिन होता है जो कि थायराइड में फ़ायदेमंद है. एक फ्रूट के साथ आप एक ग्लास फ्रेश कोकोनट वाटर या फिर चिया सीड वाटर भी ले सकते हैं. अब बात करते हैं लंच की. मिड मॉर्निंग स्नैक के 2 घंटे बाद आप अपना लंच ले सकते हैं. लंच से 15 मिनट पहले आप सैलड ले लें. कोशिश करें कि आप पका हुआ खाना और कच्चा खाना एक साथ ना खाएं. तो इसलिए सैलड मील जो है मील से पहले लें. आप सैलड अपने खाने से पहले ही खाएं. इससे डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, ईजी रहेगा और आप ओवर ईट भी नहीं करेंगे. दोपहर के खाने में आप कोई भी मिलेट रोटी ले सकते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी की रोटी ले सकते हैं और इसके साथ आप कोई भी सीजनल वेजिटेबल ले लें. ध्यान रहे वेजिटेबल्स प्रॉपरली कुक्ड हों. क्रूसीफायर वेजिटेबल्स का सेवन थोड़ा कम करें या ओकेजनल की करें, और अगर खा रहे हैं तो उसे अच्छे से पका कर खाएं तो ही बेहतर होगा. इसके साथ साथ दाल या फिर कर्ड, दोनों में से एक चीज़ आप ले सकते हैं.
शाम के समय आप लंच के 2-3 घंटे बाद अगर आप चाहें तो आप एक कप ग्रीन टी या फिर हर्बल टी या फिर नॉर्मल इंडियन टी ले सकते हैं कम दूध में। आजकल कैफीन फ्री टीज भी अवेलेबल हैं, काफ़ी ऑप्शंस उसकी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिनर की। आप अपना डिनर रूटीन सर्दियों में सूप या फिर गर्मियों में मिंट लेमनेड या चिया लेमन वाटर से शुरू कर सकते हैं। इसके 15-20 मिनट के बाद आप अपना मेन मील ले सकते हैं, जिसमें एक पोर्शन वेजिटेबल्स का तो रहेगा ही और उसके साथ ही अपने एक पोर्शन प्रोटीन का रखना है, जैसे कि एग, चिकन, फिश, पनीर, दाल एक्सेट्रा। उसके साथ एक पोर्शन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का रखना है, जैसे कि बॉयल्ड राइस, मिलेट या फिर मल्टीग्रेन रोटी या किनोवा। याद रखिएगा, हर किसी की बॉडी टाइप, बॉडी के रिक्वायरमेंट्स, एक्टिविटी लेवल डिफरेंट होता है, इसलिए किसको कितनी मात्रा में क्या खाना है ये उनके डाइटिशियन या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही तय करना सही रहता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप ध्यान रखना कि पोषण कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप ओवरईट ना करें और माइंडफुल ईटिंग ही करें। माइंडफुल ईटिंग इज़ द की। ऑल द बेस्ट एंड स्टे हेल्दी।